देखिए भाई, टुडेज गॉसिप इज पीरियोडिक टेबल। थोड़ी चुगली करेंगे ना पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो इंसान डेवलप होते गए भाई, तो पहले क्या था, पत्थर से शस्त्र बनाते थे ना मारने मुड़ने के लिए, फिर लकड़ी का यूज किया। तो लकड़ी के बाद उन्होंने फिर मेटल्स वगैरह ढूंढने शुरू किए, है ना, मेटल्स आया। तो मेटल्स में भी फिर कई सारे मेटल्स आ गए, तो धीरे धीरे डेवलप होता गया। तो फिर इन्होंने मेटल्स की प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करी। इंसान है भाई, ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ नया नया, तो मेटल्स, है ना। तो जब आई थिंक 40-45 मेटल्स एलिमेंट्स आ गए, मेटल्स नहीं एलिमेंट्स मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल एज वेल, इतने सारे आ गए, है ना। तो इन्होंने प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना शुरू किया कि प्रॉपर्टी कैसा होगा। तो बात आएगी ना प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, देखने में लाल है, हरा है, काला है, कैसा है। प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। जो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की बात आती है ना, ये बार बार नजर आएगा, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। बेसिकली 90% समझ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। तो पहले क्या था कि ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था। आप एक बात बताओ, एक तो नील बोर्स 1913 में इसने एटॉमिक मॉडल दिया, याद है, बोर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा भी होगा, आई थी नाइन्थ में बोर्स। सोचो इतना एटॉमिक, बाद में पता चला कि एटम्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एडजस्ट है, यहाँ पे पता चला। इसके बाद पता चला मिस्टर चैडविक थे, जेम्स चैडविक, इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन जैसा भी कुछ चीज़ होता है जो एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट करता, न्यूट्रॉन। तो इसके बाद न्यूट्रॉन का को लोगों ने डिस्कवर किया, चैडविक ने डिस्कवर किया, ठीक है ना। तो बात हो रही है इसके पहले लोगों ने कि क्या कंसेप्ट थे एलिमेंट के बारे में, क्या क्या सोचते थे इसके पहले का। जो भी आप देखोगे ना, यहाँ पे तीन लोग हैं, एक तो आपका हो गया डेबोरनियर, स्पेलिंग देख लेना, मेरा भरोसा नहीं करना, डेबोरिनियर कुछ ऐसा होता है, नियर ट्रायड्स, ठीक है, और फिर न्यूलैंड, और फिर ये देखो स्टोन मार्क हुआ इसका, मेंडलीफ का याद है, ये स्पेलिंग ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो ये तब है जब लोग एटम के बारे में ठीक से जानते नहीं थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होता है ना, एटॉमिक नंबर का ठीक से पता नहीं था। एटॉमिक नंबर वो तो क्रुक्स था ना, विलियम क्रुक्स, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके पहले एटॉमिक नंबर का उतना कंसेप्ट था नहीं। तो जो भी जानकारी थी, जितना भी साइंस डेवलप था, उसको लेकर इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में कंसेप्ट बनाने शुरू किए। तो बात हो रही है प्रॉपर्टी का, जैसे मान लो लिथियम, है ना, सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम। प्रॉपर्टी मीन्स इनका देखा जाता है कि ये किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखो ऐसा ऐसा और ये इस तरीके से, हाइड्रोजन के साथ कैसे फॉर्म करता, लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1:1 होती है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। और क्लोरीन के साथ कैसे फॉर्म करता, क्लोरीन दोनों की वैलेंसी सेम होती है 1:1, ये देखो KCl। तो इन्होंने ये नतीजे पे कंक्लूजन ये था, दैट मीन्स आप कंपाउंड को देखिए, लिथियम ऑक्सीजन के, लिथियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड कैसा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टी क्या एक जैसी, प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल। तो प्रॉपर्टी का बस यही सेंस था उनके दिमाग में कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है ना। तो जैसे ये देखो, एक मान लो बेरिलियम है O2, एक पोटेशियम है, एक मैग्नीस, सॉरी बेरिलियम ये है, एंड कैल्शियम है, फिर लिथियम है, और चल मान लो आपसे ये इतने सारे देंगे दिया रहेगा, आपको पूछता है कि बताओ किसकी किसकी प्रॉपर्टी सेम है, कौन कौन सा सिमिलर है, फेसिमिलर एक जैसा है ना। तो आप ये देखो ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे कंपाउंड बन रहे हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें एलिमेंट्स के और एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:1, जबकि लिथियम इसमें रेशियो क्या है, एलिमेंट्स दो भाग है, ऑक्सीजन 1 part है, 2:1। दैट मीन्स ये तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है और इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब कि कंपाउंड कैसा फॉर्म होता है, प्रॉपर्टी का मतलब कि इसकी शक्ल कैसी होगी, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और मोर एंड लेस क्लोरीन फ्लोरीन के साथ, ठीक है ना।
तब देखा जाता था प्रॉपर्टी का जो भी बोलू ना। तो ये अब डेवोर्नियर ने बोला है आप स्पेलिंग देख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेवोरिनियर पता नहीं क्या है, ट्रायड्स, ट्रायड्स का मतलब समझ रहे हो, ट्रिपल, तीड़वा जुड़वा दो और तीड़वा ट्रिपल, इसकी बात करें ट्रायड्स। तो आप ना अभी जो भी कंसेप्ट समझोगे, आप एटॉमिक नंबर उस टाइम होता नहीं था, एक ही चीज़ होता था एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन का पता नहीं था फिर भी एटॉमिक मास। ये देखो तो डेवोनियर ने कहा कि एक जैसे दिखने वाली चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसे हो, जैसे लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, एक जैसी प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन के साथ देखो किस तरीके से बनता है ना, ये देखिए कैसा बनता और ये देखिए कैसा बनता, हाइड्रोजन फिर से याद दिलाता हूँ, तो प्रॉपर्टी का मतलब कंपाउंड एक जैसा दिख रहा शक्ल से देखो जरा, तो इट मीन्स ये तीनों की प्रॉपर्टी, तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को आप एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता 3 क्योंकि एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था नहीं, इसका 23 होता है एंड इसका 39 होता है, ठीक है ना। तो कहता है लिस्ट एंड हाइएस्ट का जब एवरेज होगा ना वो सेकेंड वाले के बराबर होगा, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम उसका एवरेज, दो का एवरेज निकालना तो 2 से डिवाइड करना, ऐसे ऐसे 3 का एवरेज निकालना होता तो 3 से डिवाइड करते। अब ये देखो 46 हो गया, डिवाइड करोगे 23। अब वो कह ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट बीच वाले के बराबर होगा, लगभग, ठीक है ना, क्लियर, क्लोज टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। ये देखो तो यहाँ तो कि एग्जैक्टली बराबर हो गया ना, ये ट्रायड्स था। अगर इसकी बात सुनो तो जोड़ा ये देखिए, बेरेलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इसका 8 इसका 24 इसका 40, इनका एवरेज निकालो, 8 प्लस 40 एटॉमिक मास ऑफ लिस्ट एंड हाईएस्ट, एवरेज निकालो तो 24, ये देखो ये, तो ये इसका कहना था, है ना, ये इसने कमेंट्री करी, इसका कोई और अर्थ रह नहीं गया, है ना, कुछ रह नहीं गया, कोई खास चीज इसके इस कंसेप्ट से निकल के आया नहीं। और दूसरी बात कि आपको पता है पहला क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, इसके बाद 20 तक चले जाओ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर की बात करो 1 to 20, कैल्शियम के बाद इसका जो ट्रायड्स वाला जो कंसेप्ट था ना फ्लॉप हो गया, काम ही नहीं किया, है ना, अर्ली स्टेज में इसने कंसेप्ट दिया उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स था नहीं, फिर भी फ्लॉप हो गया इसका, कैल्शियम के बाद इसका अप्लीकेबल है ही नहीं। और प्लस आज के डेट में अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे सोडियम, तो आपको यहाँ नज़र आएगा, यहाँ नज़र आएगा, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ नज़र आ जाता, और ऐसा इसके कंसेप्ट में कुछ भी नज़र नहीं आया। इसने क्या बताया, है ना, इसने क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं कि ये कुछ नहीं बता पाया, है ना, खुद देखो ना, कैल्शियम के बाद खुद का इसका ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, कैल्शियम के बाद, दूसरे तीसरे का तो छोड़ दो, कैल्शियम के बाद खुद ही फ्लॉप हो रहा है। इसके बाद आता है न्यूलैंड, एक और आ गया, अब पता नहीं क्या है ये, इसका कंसेप्ट क्या था सुन लो, है ना, अब ये पता नहीं क्या था ये, इसके खनान वाले तबलची थे, हारमोनियम बजाते थे, पता नहीं इसको क्या सूझा कि कहाँ से कहाँ मिला दिया। इसने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दैट मीन्स पहले हाइड्रोजन फिर लिथियम, जब इन्होंने जब ये सारे कंसेप्ट बनाए थे ना तो जो हीलियम वगैरह वो था ही नहीं, ये जो क्योंकि उसमें न आइसोटॉप्स का पता था, एक बात बताऊँ, एटॉमिक नंबर था ही नहीं, तो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड जो कुछ था पता ही नहीं चलता था, और साथ में न हीलियम का इनको पता था, न नियन का पता था, न आर्गन का पता था, जिसको जीरो ग्रुप अभी पढ़ने वाले हो, उस समय ये था ही नहीं, 40-42 तो एलिमेंट्स थे इसके टाइम पे, भला क्या क्या बताएगा। तो हाइड्रोजन के बाद इनको हीलियम नज़र ही नहीं आता था, लिथियम, लिथियम के बाद आप ये देखो, हाइड्रोजन लिथियम बेरेलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियन होना चाहिए, इनके ज़माने में था ही नहीं, साइंस इतना डेवलप था ही नहीं, तो इन्होंने सोडियम रख दिया, मैग्नीशियम रख दिया, एल्युमिनियम रख दिया, सिलिकन, है ना,
एल्युमिनियम सिलिकॉन ठीक है, सिलियम जो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, अब ढूंढोगे कि आर्गन बिल्कुल भी नहीं है, तो इन्होंने क्या रख दिया, पोटेशियम। मान लो इतना मैंने एग्जांपल लिया। अब ये कहना था कि जैसे आपके म्यूजिकल नोट होते हैं ना हारमोनियम पे, सा रे गा मा आ धा नी, अब ये देखो नी सा नी, पहला को देखो और आखिरी वाले को देखो, सा और सा, पहला नोट दूसरा नोट तीसरा चौथा पांचवा, इस पे सारे के सारे म्यूजिक बन रहे हैं, तो पहला आठवां सेम है ना। तो ये तवलची जो था पता नहीं इसके दिमाग में क्या था, ये कब हारमोनिया लेके बैठ गया। देखो जरा इसके कंसेप्ट देखो, कह रहे कि, और मैं इसे मजाक के तौर पे ले रहा हूँ, जो भी थे लोग महान लोग थे भाई। तो आप ये देखो, पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, अगर आप देखना चाहते हो कि हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी, बता रहा हूँ केमिकल का प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्लोरीन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का तो होगा नहीं, तो ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ये तो पहला और आठवां, जैसे पहला सुर और आठवां नोट, पहला नोट आठवां नोट सेम है, तो जो पहला यहाँ से गिनना शुरू करो जो आठवां है दोनों का करेक्टर सेम होगा, ये न्यूलैंड का कहना था, ठीक है ना। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ ना कि बोरॉन का करेक्टर किसके जैसा है ना, तो यहाँ से गिनना शुरू करो, वन टू थ्री फोर फाइव, ये रहा सिक्स सेवन एट नाइन, है ना। दैट मीन्स कि बोरॉन जो है ना उसका करेक्टर, सॉरी नाइन कहाँ से, हाँ ठीक, तो एट तक, तो बोरॉन किसके जैसा है, एल्युमिनियम का, पहला और आठवां, पहले और आठवें की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स अगर बोरॉन ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंपाउंड बनाता है एल्युमिनियम भी ऐसा ही बनाता है, बोरॉन हाइड्रोजन के साथ ऐसा बनाएगा तो एल्युमिनियम भी ऐसा ही बनाएगा। आपको पता है एल्युमिनियम की वैलेंसी, बोरॉन क्लोरीन के साथ ऐसा बनाएगा तो एल्युमिनियम भी क्लोरीन के साथ ऐसा ही बनाएगा। तो पहले नोट एंड आठवां नोट मिलता म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंट में, तो यहाँ भी वही है, है ना। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, फिर वही है कि सिर्फ सिंपल सा कॉमेंट्री है, इसके बाद आगे ये कुछ भी नहीं बता पाया, आगे ये कुछ भी नहीं बता पाया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप्स, है ना। अगर मान लो उस समय अगर ये जो जीरो ग्रुप है जो भी इधर मैंने मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीफ ने बड़ा कमाल का पीरियोडिक टेबल बनाया, मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, हारमोनिया वो तो बिगड़ गया था ना, इसका हारमोनिया तो फटने ही वाला था समझो, ठीक है ना। अब जो है ना इसके बाद हर जगह से न्यूटन वगैरह हो गया, एक क्रांतिकारी इन्वेंशन हुआ ये पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया उसने ना, उसमें जब इसने बनाया था उसमें शायद 60-63 ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे, ज़्यादा था नहीं। उसमें फिर से इसके टाइम पे फिर से वो गायब था, हाइड्रोजन गायब, ये हीलियम गायब था, हीलियम नहीं था, नियन नहीं था, आर्गन नहीं था, क्रिप्टन नहीं था, स्कैंड ये सब नहीं था, जीरो ग्रुप वाले नहीं थे, इनर्ट गैसेस इसके टाइम पे नहीं था, एटॉमिक नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, सारे लोग एटॉमिक मास को लेके जो कुछ बना था, क्योंकि एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था। मेंडेलीफ ने जो किया ना बड़े कमाल का किया, उसने जो किया मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है ना। इसके टाइम पे ऐसे ही चलता था, देखो जरा, है ना, कंसेप्ट था ही नहीं। रदरफोर्ड के टाइम पे हमारे इंडिया में लोग धोती पहनते थे, ठीक है ना, ये हाल था, तो बल्कि बढ़िया हाल था भाई। एटॉमिक मास ऐसे दो बाई दो का शीट बनाया, गत्ता होता है ना गत्ता, ऐसे उसने दो बाई दो का गत्ता बनाया, एक तरफ उसने कंपाउंड लिखे, मास लिखा, एटॉमिक नंबर तो चाके भी नहीं लिख सकता था उसमें, था ही नहीं, फिर इसके प्रॉपर्टी लिखे कि हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता, क्लोरीन के साथ कैसे कंपाउंड बनाता, ऐसे दो तीन चीज़ लिख ली इसने, ठीक है। और ये गत्ता जो है ना दीवार पे चिपका दिया, ऐसे ऐसे करके 63 बनाया इसने, 63 गत्ते बनाए इसने, और इसको रोज़ देखता रहा, रोज़ देखता रहा। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करते हो, जहाँ पे पढ़ते हो सामने फार्मूला वगैरह लिखते हो और उसको रोज़ देखते हो, आपको याद आ जाता कि नहीं आ जाता, देखता रहा। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब आप देखते रहते हो ना, खाली आप देखते रहो देखते रहो, इसके बाद रात को जब आप सो जाते हो ना तो आपका दिमाग मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, और ये टेबल क्या था, कुछ करता रहता। अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे एक दो महीना में इसने इस सारा देखते देखते इसके दिमाग में पता नहीं क्या उमड़ घुमड़ रहा था, इसने फिर बनाया पीरियोडिक टेबल। पहली बार एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में
अगर किसी ने डाला है इसका सिरे इसी को जाता है। तुम देख रहे हो ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव का कुछ खाली स्थान है कुछ ब्लू कलर से, वो बाद में डिस्कस करता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल में इसने 6 पीरियड बनाए, मैंने 4 तक ही दिखाया, तुम अपने बुक में जाके देख लेना, है ना। उसके बाद जो जो एलिमेंट्स है सबको उसने लिख दिया। फोर्थ में देख रहे हो, फोर्थ पीरियड में देखो, है ना, फर्स्ट ग्रुप में 2, सब में 2-2, इसको फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज बोला। आपके ग्रुप में ए और बी डाला हुआ है, जबकि मेंडेलीव ने फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज लिखा था और एक के ऊपर एक ना जस्ट उसके नीचे लिखा था। अब होता क्या है ना कि इसने इतना बढ़िया काम किया ना कि इसको रेस्पेक्ट देने के लिए आज जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन चुका है, इसके पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियाँ भी हैं, फिर भी जितने भी आज एलिमेंट हैं 115 120 100 जो भी हैं सब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग लोग बना के बैठे हुए इसको सम्मान देने के लिए, ठीक है ना। इतना इस पर रेस्पेक्ट है लोगों का, है ना, कि पहली बार इसने इस फॉर्म में कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। तो इसका सिंपली ये कहना इसका कहना था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन मतलब सर्टेन पीरियड के बाद रिपीटेशन, जैसे 24 घंटे में वही का वही समय आ जाता ना, तो पीरियोडिक है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये रटना पड़ेगा उसके जो डायलॉग है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अब एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर तो बोलेगा नहीं, क्योंकि इसने जो मेंडेलीव है वो 1866 में इसने पीरियोडिक टेबल डेवलप किया, तो उस समय एटॉमिक मॉडल ठीक से लोग नहीं जानते थे, एटॉमिक नंबर नहीं पता था, तो एटॉमिक मासेस ही बोलेगा। तो कहना था कि अगर सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इससे भारी ये है, इससे भारी ये है, इसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा है, इसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अगर डालो तो एक सर्टेन पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, जिसको एक ग्रुप में डाल दिया। इस ग्रुप में देख रहे हो ये सब है ना, सबकी प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी सेम मतलब समझ रहे हो ना कि लिथियम सोडियम ये सब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के साथ एक जैसा कंपाउंड बनाएगा, सिमिलर कैरेक्टर, है ना, आपने पढ़ा ना लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो, सेम होने वाला एक जैसा। इस ग्रुप में देख रहे हो इसने एटॉमिक मास के फ्लोरीन से भारी सोडियम था, सोडियम को यहाँ पे डाल सकता था पर यहाँ पे डाल दिया, क्यों, क्योंकि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। मैग्नीशियम को यहाँ पे डाल दिया, क्लोरीन, है ना, पोटेशियम को यहाँ पे डाल सकता था, पोटेशियम को यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पोटेशियम की प्रॉपर्टी इनके जैसी है, तो इसने बना दिया। और कंसेप्ट क्या रखा कि जो भी है ना सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, क्लियर है, तो इसके कंसेप्ट थे। अब अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें खास बात क्या है, क्यों मैंने इतना मेहनत किया, खास बात यह है कि पहली बार इसने पीरियोडिक पीरियड के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को रखा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना हूबहू इसका नकल है, बस क्या था उसमें साइंस डेवलप हो गया था एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, है ना। इसने जो बोला द पीरियोडिक फंक्शन द पीरियोडिक सॉरी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना ना बस उसमें सब कुछ सेम लैंग्वेज यूज किया गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, बस वहाँ पे मासेस हटा के नंबर कर दिया। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड नहीं सॉरी मेंडेलीव ने, द पीरियोडिक फंक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मॉडर्न मॉसले का जो पीरियोडिक टेबल है उसने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर पता चल गया था। रदरफोर्ड के टाइम पे साइंस उतना डेवलप नहीं था, अदरवाइज जो काम ये करके जाता ना बाकियों को करने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें रदरफोर्ड के ड्रॉबैक नहीं है, इसके कमियां नहीं है, वो कमी है साइंस का, उतना डेवलप उस समय हुआ नहीं था, ठीक है ना। वो अभी कैथोड ट्यूब वगैरह बन ही रहे थे, एक्सपेरिमेंट हो ही रहे थे। तो ये पहली बार टेबुलर फॉर्म में डाल दिया, उसकी खासियत यही है ना कि आप देख सकते हो
एक ही ग्रुप में, तो आप बता सकते हो कार्बन सिलिकन टाइटेनियम की प्रॉपर्टी एक जैसे, आप बता सकते हो सब कुछ, ठीक है। अब जरा देखो और क्या खासियत है, खाली स्थानों को भरने वाला है, सबसे बेजोड़ है ना, इसने जो किया ना उसने ये बोला। अब जरा आप ये सोचो ना, अब देखो ये कैल्शियम है, टाइटेनियम है, बीच में खाली जगह क्यों छोड़ा, क्या जरूरत थी खाली जगह छोड़ने की, टाइटेनियम को यहाँ पे क्यों नहीं डाला, है ना। टाइटेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकन जैसा था, इसीलिए इसको खाली रखा उसने, और उसने ये प्रेडिक्ट किया कि एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसका मास इसके इसके बीच में ज़रूर होगा, इसके इसके बीच में, मान लो इसका मास 20 है, इसका मास मान लो 40 है, है ना, तो एक 20 21 22 23 कुछ भी होगा इनके बीच में, उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसा होगा, एल्युमिनियम बोरॉन के जैसा होगा, है ना। तो ये ऊपर है तो बोरॉन, नीचे है तो एल्युमिनियम। इसकी जो प्रॉपर्टी ना, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे जो भी बंदा आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकन की जैसा होगा, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी कार्बन, मतलब सारी की प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना। अब कुछ ही दिन के बाद आपको पता है गैलियम आया, है ना, इसका इन्होंने नाम रखा ना, इसने इसका नाम रखा ईका, ईका एल्यूमिनियम, यहाँ पे नाम रखा इसने ईका बोरॉन, यहाँ पे इसने नाम रखा ईका सिलिकन, देख रहे हो, खाली इसने नाम भी बता दिया। ईका का मतलब आपको पता है संस्कृत, आपको शायद नहीं पता संस्कृत कितना डेवलप था उस समय, याद है कितने टाइम से हम लोग स्वास्तिक पढ़ते जाए, है ना, स्वास्तिक का चिन्ह, ऐसे पता चला कि जो अर्थ का रोटेशन है ना इसी डायरेक्शन में होता है, तो सोचो ऋषि मुनि को पहले ही से पता था। खैर ईका एल्यूमिनियम, ईका बोरॉन, ईका सिलिकन, देख रहे हो, ईका का मतलब होता है सिमिलर, है सिमिलर, सिमिलर है ना। तो इसने भविष्यवाणी कर दी, अगर ये 20 है, ये 40 है, तो 21, 22, 23, 24, 25 कोई एक ही एलिमेंट आएगा जिनका मास इनके बीच रहेगा, क्योंकि इसने एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखा है, तो इसके बीच में कोई भी ऐसा आएगा जिसका मास अगर इनके इनके बीच में होगा तो इसकी प्रॉपर्टी 100% एल्युमिनियम, सॉरी बोरॉन जैसा होगा, बोरॉन एल्युमिनियम सेम ही है, नाम रख दिया ईका बोरॉन, क्योंकि यहाँ पे दो दो खाली था ना, ईका एल्युमिनियम, ईका बोरॉन, यहाँ पे एक ही खाली था ईका सिलिकॉन, जो ठीक है ना, यहाँ पे दो दो फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज सिलिकॉन की जैसा प्रॉपर्टीज का, ईका मतलब सिमिलर, बोरॉन कैपिटल बी, ईका बोरॉन, ईका एल्युमिनियम। तो बाद में पता चला 5 साल के बाद सबसे पहले गैलियम आया, गैलियम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जिसको इसने ईका एल्युमिनियम बोला ना, संस्कृत में ईका एल्युमिनियम, ईका उसने खुद मेंडलीफ का रखा हुआ है, संस्कृत का यूज़ किया हुआ है उसने, ईका एल्युमिनियम जिसको बोला ना वो गैलियम निकल गया, गैलियम जी ए गैलियम। 5 साल के अंदर ही दुनिया को पता चल गया कि उसने भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक की। और डिस्कवर हुआ तो जिसको इसने ईका बोरॉन बोला ना, ईका बोरॉन, ठीक है ना, वो स्कैंडियम निकल गया, एस सी स्कैंडियम, ईका सिलिकॉन, और फिर ईका सिलिकॉन बाद में पता चला ये जर्मेनियम है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कहीं पे लिख देता हूँ, ये देखो ईका सिलिकॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको याद रखना है, ईलिका ईका सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम, जी ई जर्मेनियम, नहीं कमाल की भविष्यवाणी थी। बाद में हूबहू पता चला कि जिंक आर्सेनिक के बीच में दो कंपाउंड है ना, एक कंपाउंड का मास इससे ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका मास दो कप पता चल गया है, ये इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, दोनों का मास इससे ज़्यादा है, इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसा, इसकी प्रॉपर्टी, ये भविष्यवाणी उसने कर दी, कमाल की बात है। और ये नहीं, ऐसा उसने ये नहीं बोला कि 1000 साल के बाद, नहीं 5 साल के बाद ही दुनिया को पता चल गया, तभी तो हैरान हो गए कि हाँ भाई इसने तो सही बोल दिया। तो सोचो उसमें डिस्कवर हो रहे थे, है ना, तो तीन तीन चार चार ऐसे और भी हैं, तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। अब इसका और एक खासियत क्या है, तुम देख रहे हो यहाँ पे जीरो ग्रुप का कहीं दिख रहा, एक जीरो ग्रुप एलिमेंट होता था, जीरो ग्रुप है ना, जिसमें हीलियम होता था, ठीक है, नियन आर्गन क्रिप्टन ये सारे होते थे, 6 ऐसे 6, तो ये जीरो इनर्ट गैसेस, इसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा क्योंकि साइंस को पता भी नहीं था वो गैसेस होती है, लेकिन जब डिस्कवर हुआ ना तो इसने ना
कहीं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, इसके लिए एक अलग ही ग्रुप बनाना पड़ा। ये भी इसका खासियत है कि ऐसे छः छः और डिस्कवर हुए एक जैसे प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी ही अलग थी, उसका एक अलग ग्रुप। इसके इसके जो टेबल है ना, किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया है ना, जो कंपाउंड जहाँ था वो वैसे ही है, उसके लिए एक अलग ही ग्रुप बनाना पड़ा। ये इसकी खासियत है ना। तो और भी आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। नुकसान क्या है इसका, लॉस मतलब इसकी ड्रॉबैक क्या है, एनोमलीज क्या, कमियाँ क्या है। तो अब यहाँ पे कमियाँ आप इसको देखो, इसने तो पहले तो ये बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब बढ़ते क्रम में, इससे भारी ये है, इससे भारी ये है, इससे भारी ये है, इससे वजनदार ये है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है क्या नहीं है ना। आप इसको कंपेयर करो, कायदे से ये भारी है तो इसको इधर आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था, उल्टा कर देना चाहिए था, इसने फिर भी उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि पता चला कि जो फास्फोरस है ना, वेनेडियम है, इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। अगर ये इसका मास ज़्यादा है और ये हल्का है, इसको अगर इधर करता है ना, तो वेनेडियम और सल्फर की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं है, सल्फर और क्रोमियम की प्रॉपर्टी एक जैसे है। तो इसने अपने रूल को ही तोड़ा है ना, इसने एक ग्रुप में उनको रखा जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, इसके लिए उस थोड़ा 19-20 भी करा, जो भारी है उसको पहले रख दिया, जबकि इसने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तुम कोबाल्ट और निकेल अक्सर एग्जाम्पल में लिया जाता है, कोबाल्ट और निकेल, तुम देख रहे हो ये भारी है और ये हल्का है, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी बड़े सारे चीज़ थे, प्रॉपर्टी जिसकी सेम होती गई, सेम ग्रुप में रख दिया। देख लो ये इसकी कमी है। दूसरा कमियाँ क्या है, आइसोटॉप्स है ना, आगे पढ़ा भी होगा बल्कि आपने, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग है। पहले एक बात बताओ, उस समय तो एटॉमिक नंबर था ही नहीं ना, अगर होता तो फिर इसका जो एटॉमिक, आप जरा एक बात बताओ, जैसे हाइड्रोजन, इसने तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाया, इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लो हाइड्रोजन के तीन तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, इसने तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा ना, तो हाइड्रोजन 1, सेकेंड वाले को यहाँ, थर्ड वाले को यहाँ, अलग अलग ग्रुप में चला जाता कि नहीं चला जाता, मास के हिसाब से रखा है। जबकि जो आइसोटॉप्स होता है ना, उसका केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम होता, सेम। तो अगर आइसोटॉप्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो सबको एक ग्रुप में रखना चाहिए था, पर इसने मास के हिसाब से बनाया तो अलग अलग जगह पे रखना चाहिए था, अलग अलग जगह पे रखता अलग अलग ग्रुप में, तो दुनिया को ये पता चलता कि अलग अलग है, तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी वो अलग अलग है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की क्या सेम है। इसको एक में डाल नहीं सकता क्योंकि मास अलग अलग है ना, अलग अलग डाल नहीं सकता था क्योंकि प्रॉपर्टी एक जैसी है। उस समय आइसोटॉप्स के कंसेप्ट ही नहीं थे, क्योंकि जब इसने ये सब बनाया था, एटॉमिक नंबर दुनिया जानती नहीं थी। तो ये जो इसकी जो कमियां लोग गिनाते हैं ना कि मेंडेलीफ की ये कमियां हैं, वो कमियां जो है ना इसकी नहीं है, वो साइंस की है। अब इसको देखो जरा, इसकी कमियां लोग गिनाते हैं, हाइड्रोजन को देखो फर्स्ट में, ये नॉन मेटल है, लिथियम है, सोडियम, ये सब मेटल है, तो इसको हाइड्रोजन को इसके साथ क्यों रखा, इसके साथ क्यों नहीं रखा। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मेंडेलीफ की जो ये जो कमियां है ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए भी वही है ड्रॉबैक है ना। दुनिया जो है ना चुगली करती है ना, मेंडेलीफ ने ये काम सही नहीं किया, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक अब जाके बना ना, उसमें भी यही ड्रॉबैक है ना। तो जो कान भरना है मेंडेलीफ के बारे में वो सुन लो, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जबकि सारे मेटल्स हैं, ये अकेला नॉन मेटल है, यही नुकसान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही बोला जाता है। अब ये करेगा क्या बताओ, इसको कहाँ पे रखेगा, अब इसको मैं मिटाता हूँ। तुम हाइड्रोजन को देखो जरा है ना, इसको क्यों रखा इसके साथ। हाइड्रोजन आपको पता है डाई, एक तो गैस है, बाकी नॉन मेटल है, ये सारे मेटल्स हैं, जबकि ये डाई एटॉमिक है। कभी आपने सोडियम को ऐसे बनते हुए देखा क्या, नहीं ना, ये डाई एटॉमिक है, ठीक है ना भाई। ये देखो ये प्रॉब्लम है, बहुत सरल है, H2+O2 H2O न्यूट्रल है, बाकी आपको पता है ये बेसिक है, K2O बेसिक है, आपको आपने पढ़ा ना एसिड एंड बेस, तो इतना तो अलग अलग है, फिर भी इसको इसमें रखा। सवाल है पर रखता कहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यहीं पे रखा हुआ है। अगर इसको क्लोरीन के साथ रखता HCl है ना, हाइड्रोजन को क्लोरीन फ्लोरीन है ना, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी डाई एटॉमिक है, ये भी डाई एटॉमिक है, सब कुछ है। पर प्रॉब्लम ही क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये वाटर से रिएक्ट करता है, इनमें से कोई भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता,
क्लियर है, ये अकेला है जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, ये केवल गेन करते हैं। आप समझ रहे हो ना हाइड्रोजन के बारे में, तो यहाँ भी नहीं रख सकता था, तो हाइड्रोजन का जो पेच है ना वो फंसा हुआ ही है अभी तक। तो ये सारा ड्रॉबैक वगैरह तुम पढ़ लेना, मैं नोट्स तो दे ही दूंगा, इस पर बहुत सारा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, इस पर बहुत सारा, अब तो डिस्कशन ही चलेगा, हो गया है ना, ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं आपके केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सारे पार्ट डिलीटेड है। कार्बन को जो मैंने जितना पढ़ाया उसका तो समझो 50% ऑलरेडी डिलीट हो चुका, वो मैं बताऊंगा, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो मेंडेलीव बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम देख लो, पीरियोडिक टेबल से कुछ भी नहीं हटा मेरे ख्याल से, अभी मैं देख लूंगा, वैसे मुझे लग रहा है इसमें से कुछ भी नहीं हटा। नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब ये मेंडेलीव का अच्छे से रट लेना।